गाइस, वेलकम बैक टू शैलोता डेली वॉक्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज मैं कराने वाली हूँ अपनी फ्रेंड के घर का होम टूर, बिकॉज इसने अपना घर बहुत ही एस्थेटिक वे में डेकोरेट कर रखा है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आइडिया आएगा कि, और आपको एक और अच्छा आइडिया मिल जाएगा सामान को सेट करने का एस्थेटिक वे में। एंड ये भी आइडिया मिलेगा कि ये किस जगह लोकेटेड है और क्या रेंट है। मैं आपको फुल डिटेल दूंगी और ये भी इसमें क्या चीज़ इंक्लूड है, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है, वो सब कुछ भी। लाइक जैसे चिलर फ्री है या नहीं है, वो अभी तक मेरे को भी नहीं पता है। तो वो मैं सबसे लास्ट में नंदिनी से पूछ के आप लोगों आपको बताने वाली हूँ। और क्या रेंट है, क्या लोकेशन है, तो सब कुछ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में बताऊंगी। तो प्लीज मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और विदाउट स्किप किए देखें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो लेफ्ट साइड में हमारी किचन, ये देखिए किचन का आपको बहुत ही अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि इसमें, और सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है। स्टोव इंक्लूड है एंड वॉशिंग मशीन एंड फ्रीज, और बाकी जितना भी सामान ले रखा है खुद नंदिनी ने ले रखा है, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। तो आई थिंक आपको एक बहुत ही अच्छे से आइडिया आ जाएगा। ये देखिएगा कितने अच्छे से सामान ऑर्गेनाइज कर रखा है, और ये एक बोर्ड भी लगा रखा है। और ये देखिएगा कितना सामान, स्टोरेज थोड़ा सा हाँ कम लग रहा है मुझे, मेरे को, बट इनफ है। और ये एल शेप में किचन है, तो ये सिंक एरिया। अब मैं आपको बता देती हूँ, इसके जस्ट सामने है हमारा डाइनिंग रूम अटैच। तो डाइनिंग रूम में है डाइनिंग टेबल एंड सोफा एंड टीवी, जो बहुत ही अच्छे से और सेट कर रखा है। और ये है भगवान जी, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी मंदिर में रख रखे हैं नंदिनी ने। और मैं और यहाँ पर दे रखी है एक बालकनी राइस, तो वो मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगी यहाँ पर। तो अब हम चलते हैं रूम की साइड। और मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको, ये जो है 1 BHK का फ्लैट है। एंड इसमें अब जैसे ही हम लेफ्ट साइड को टर्न होते हैं एंट्री करने के बाद, तो सबसे पहले आता है कॉमन वॉशरूम। और यहाँ पर एक बार चेयर सेट कर रखी है नंदिनी ने। तो अब कॉमन वॉशरूम दिखा देती हूँ मैं, कितना बड़ा है ये। वाओ, फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी आ रही है। वो डिफ्यूजर लगा रखा है ना। ओके, तो ये देखिएगा, और इतना बड़ा मिरर दे रखा है, आप अच्छे से यहाँ पे अपने आप को रेडी कर सकते हो। तो काफी बड़ा है, मतलब कि आप रेडी होके अपने आप को फुल भी देख सकते हो, अगर आप किसी भी स्टूल में या कहीं भी खड़े होते हो तो फुल दिख जाओगे, बाकी हाफ से ज्यादा दिख रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अंदर। एंड लेफ्ट साइड में था वॉशरूम एंड राइट साइड में आ जाता है रूम। ओह माय गॉड, वाओ, देखो कितने अच्छे से सेट कर रखा है सारा सामान। ये बेड है एंड इधर टीवी सेट कर रखा है, और ये टीवी का एक यूनिट ले रखा है, बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्यारा सा। फैन भी ले रखा है तुम लोगों ने, मुझे बहुत गर्मी लगती है। ओके, और साइड में स्टूल, और इसमें भी बालकनी है। आई थिंक एक ही बालकनी है, काफी अटैच्ड है। तो इसको हम लास्ट में देखते हैं, कवर करते हैं। और ये आ गई ओपन वॉकिंग एरिया, वॉकिंग क्लोजेट। अच्छा, वॉकिंग क्लोजेट है, तो ये है वॉकिंग क्लोजेट। तो ये देखिएगा, और इसमें काफी सारा स्टोरेज दे रखा है। इधर भी एक वार्डरोब है और इधर भी एक वार्डरोब है। वार्डरोब खोल सकती हूँ नंदिनी? हाँ हाँ हाँ। ओके, तो ये देखिएगा, वाह, काफी बड़ी है, तो काफी स्टोरेज है इसमें, ऐसा नहीं है कि छोटी है।
ये देखिएगा इसमें तो बहुत सारे बॉक्सेस दे रखे हैं कि अलग अलग तरह से आप मतलब अपने हिसाब से सामान ऑर्गेनाइज करोगे, हमारे हिसाब से तो नहीं करोगे सेट करोगे। तो अब हम चलते हैं और ये दे रखा है अटैच वॉशरूम विद बेडरूम के, ये भी काफी बड़ा है यार, है ना, गीला हो, हाँ गीला हो रखा, मैं सॉक्स पहन के जाऊंगी तो। ये देखिएगा यहाँ पे एक मैंने लॉन्ड्री बास्केट रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ यूटिलिटीज का सामान है, इधर वॉशिंग मशीन एरिया है, उधर शावर एरिया है और इधर अपना कमोड एरिया है, तो काफी अच्छा है, अच्छा लगता है, थोड़ा स्पेशियस है। और इसमें मिरर भी इतना ही बड़ा दे रखा है और सबसे अच्छी बात है यहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी दे रखी है। रूम में तो मिल्की लाइट है बट वॉशरूम में आप रेडी होते हो तो बहुत ही अच्छी लाइट है गाइस। और अब हम चलते हैं बालकनी एरिया साइड, तो अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया अटैच बालकनी है, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। मेरे शॉप से गंदे हो जाएंगे नंदनी तो ये देखिएगा कितनी बड़ी बालकनी है, बोल दो तुम। हाँ ये काफ़ी स्पेशियस बालकनी है और हॉल और बेडरूम से दोनों अटैच्ड है, तो यहाँ पे एक क्लोथिंग रैग रखा हुआ है कपड़े वपड़े सुखाने के लिए और यहाँ पे मैंने बालकनी चेयर्स रखे हुए हैं और उधर एक तुलसी का प्लांट है और काफ़ी अच्छा है, बहुत बड़ा बालकनी है और यहाँ से व्यू ऐसा है कि सामने पूरा विला एरिया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है शाम के टाइम पे बैठना, सामने कोई बिल्डिंग नहीं है इसकी वजह से व्यू काफ़ी अच्छा हो जाता है। और अभी बहुत कंस्ट्रक्शन चालू है और आप यहाँ से नीचे देखोगे तो आपको दिखेगा हमारा पूल एरिया, तो ये भी हमें बहुत अच्छा लगता है कि शाम को बैठो, बहुत सारे लोग पूल वगैरह में रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो आपको पूल एरिया भी हम दिखाएंगे। यहाँ पे पास में एक स्कूल भी है एंड आप अभी तो बहुत ऐसे फॉगी सा है बट यहाँ से सामने मंदिर भी दिखता है जो हिंदू टेम्पल है दुबई का, वो तो उसकी लाइटिंग वगैरह जब शाम को जलती तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये था बालकनी, हम अंदर से एंड गाइस होम टूर हो चुका है और अब हम जा रहे हैं नीचे, क्या क्या इंक्लूड है लाइक जिम एंड पूल, तो वो एरिया भी मैं हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर, तो वो तो नंदिनी ही बताएगी और बाकी तो वो हम डिस्कशन सबसे लास्ट में करेंगे, क्या प्राइस है और बाकी फैसिलिटीज़ के बारे में भी, क्या किसका किसका एक्स्ट्रा पे देना होता है, किसका एक्स्ट्रा पे नहीं है, फ्री है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जिम साइड, तो हम जा रहे हैं जिम साइड और यहाँ की ना मुझे लिफ्ट का बड़ा अच्छा लगता है, जो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, जब कौन सी थी वो गणेश चतुर्थी वाली वीडियो, मैं फर्स्ट टाइम नंदिनी के घर तभी आई थी तो उस टाइम पर मैंने बता दिया था आप लोगों को, तो बहुत ही अच्छा लगता है वो, मैं आपको भी दिखाती हूँ देखो, एक ही कंस्ट्रक्शन है ना, हाँ हाँ एक स्क्रीन दे रखा है, ऐसा नहीं है लिफ्ट के अंदर नंबर्स हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिएगा ये स्क्रीन दे रखा है और यहाँ पर हम फ्लोर नंबर 1 पे जा रहे हैं, तो इसमें पहले से ही आइडिया आ गया कि हम सी नंबर के लिफ्ट में जाएंगे, ये है सी नंबर। सॉरी गाइस हमारा जो वीडियो बनाने में हमारा लिफ्ट चला गया, तो अब आ रहा है हमारा डी नंबर, तो हम डी नंबर की लिफ्ट में जाएंगे, यहाँ पे 4 लिफ्ट हैं ए बी सी डी करके, तो हमारी लिफ्ट आने में टाइम लग रहा है यार, ये वाली आ चुकी है, ये देखिएगा ये रेड हो चुकी है एंड ये आ गई, सिर्फ नंबर है और नंबर प्लेट जो लगी हुई होती है वो नहीं है, सिर्फ क्लॉज एंड बेल और ओपन का ही 3 बटन दे रखे हैं बस। गाइस इधर साइड ये जिम का बोर्ड लगा रखा है एंड हम इधर को जाएंगे तो जिम आएगा और ये पूल साइड है एंड राइट साइड है पार्क एरिया, तो पहले हम जिम में चलते हैं और जिम में एंट्री करने के लिए पहले करना होता है एक्सेस कार्ड और ये है जिम एरिया जो काफ़ी बड़ी है और बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, तो आप देख सकते हो कि कितने सारे इक्विपमेंट हैं, साइकिलिंग है, ट्रेडमिल है, तो ये बहुत सारे वेट लिफ्टिंग के भी बहुत सारे एरिया हैं और ये दे रखा है अलग से एक योगा रूम कि आप जो यहाँ पर योगा कर सकते हो, तो ये फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है और इसका कोई प्राइस नहीं है जो मैंने आपको पहले से बताया है,
और यहाँ पर कोई जिम कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं पूल साइड गाइस, और ये आ चुका है पूल एरिया। तो हम यहाँ का टोटल कैप्चर नहीं कर पाए हैं बिकॉज यहाँ पर कोई स्विमिंग कर रहा था, तो इसलिए ऐसे अलाउ नहीं होता है। और ये आफ्टर स्विमिंग आप शावर ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो स्विमिंग एरिया बहुत बड़ा है और यहाँ पर सनबाथ चेयर भी फैसिलिटी अवेलेबल है, और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बच्चों का पार्क दे रखा है। तो फिर हम चलते हैं उस साइड। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा दे रखा है यार बच्चों के खेलने के लिए प्लेइंग एरिया। मतलब ज़्यादा बड़े बच्चे तो यहाँ नहीं खेल सकते, बट छोटे बच्चे तो खेल सकते हैं ना। ये सिटिंग एरिया है और नंदिनी फिसल के दिखाओ मुझे हैं। ये देखिएगा कितना प्यारा बना रखा है, बहुत सारे हैं हैं, कितने हैं इक्विपमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 इक्विपमेंट है यहाँ पर, ताकि छोटे छोटे बहुत दे रखे हैं। ये देखो ऐसे काउंटिंग करने लगे तो हो जाएंगे 10-12, बहुत ही छोटे बच्चों का है। बैठने जरा उधर, बैठ जाऊं। ओ बहन, तू तो मुझे ऊपर ले गई। A few moments later. एंड गाइस, हमने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को घर का पूरा टूर करा दिया है, होम टूर, और साथ साथ में क्या क्या इंक्लूड है वो भी हमने आप लोगों को दिखाया है, लाइक जिम, पूल एंड पार्किंग एरिया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या फ्री है और क्या क्या एक्स्ट्रा पे है, तो उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। चांदनी, वो सॉरी, मुझे अपनी दूसरी फ्रेंड का नाम याद आ गया, नंदिनी, घर का रेंट कितना है तुम्हारे? 70,000। ओके, थोड़ा जोर से बोलो, शायद सुनाई ना दे। 70,000 पर एनम। और चिलर फ्री है? हाँ, या चिलर फ्री है। ओके, तो गाइस चिलर फ्री है, 70,000 ईयरली है। और क्या जिम का और पूल का एक्स्ट्रा पे है या इंक्लूड है? इंक्लूडेड है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो आप सुन रहे हैं, जिम का और उसका इंक्लूड है, कोई एक्स्ट्रा पे नहीं है। और क्या क्या फैसिलिटी है अवेलेबल है? और कुछ नहीं, बस चिलर फ्री है, और किचन में जो इक्विपमेंट्स मिले हैं, बस फ्रिज और वॉशिंग मशीन एंड जो गैस स्टोव होता है बस वो फ्री है, और कोई भी कुछ फ्री नहीं है। और एंड गाइस, ये लोकेटेड है अल फुरजान में, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है डिस्कवरी गार्डन, और बस स्टॉप है थोड़ा सा मेरी बिल्डिंग के पास है, इनसे थोड़ा सा दूर होता है। इनके यहाँ से बस स्टॉप का डिस्टेंस है 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट की ज़्यादा है, 5 मिनट। हाँ, 5 मिनट, क्योंकि मेरे से नेक्स्ट बिल्डिंग है। और इनके टावर का नाम है अजीजी प्लाजा, अजीजी प्लाजा मतलब अजीजी फरिश्ता से नेक्स्ट बिल्डिंग है अजीजी प्लाजा, तो ज़्यादा दूर नहीं है, ये इसकी लोकेशन है। और नीचे ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह भी हैं, लॉन्ड्री है, स्पा है, ग्रॉसरी के स्टोर्स, दो दो स्टोर्स हैं यहाँ पे, तो अच्छा खासा है। मतलब किसी भी चीज़ के लिए आपको कहीं भी ऐसे जाने का दिक्कत नहीं है। तो सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैरीपोर वगैरह भी सब कुछ पास में ही है, और नेक्स्ट मतलब रोड के अपोजिट साइड में आपको इमरेट स्मार्ट मिल जाएगा फॉर ग्रॉसरी एंड ऑल, वो भी कैरीपोर जैसा ही है, स्मॉल सुपरमार्ट टाइप का ही है, तो सब कुछ लोकेलिटी में ही है, तो बहुत डिफिकल्टी होता है, सब कुछ मिल जाता है। हाँ, सब कुछ बहुत ज़्यादा इजी है, और बाकी यहाँ पर थोड़ा चलने का तो होता ही है वो थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है, इंडिया की तरह नहीं कि कहीं भी ऑटो ले हम और इजीली चले जाएं वो आपके लिए ऑटो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट कैब फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है, अपना ना ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, नंदिनी ने कहाँ से सामान पे किया है, और सॉरी कहाँ से सामान परचेज किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आपने सारा सामान देख लिया है क्या क्या नंदिनी ने परचेज कर रखा है, तो एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में परचेज किया है, मतलब मैं भी शॉक्ड हो गई थी सुन करके, इतना सस्ता तेरे को कहाँ से मिला भाई मैं आई थी अप्रैल में दुबई, दिस ईयर अप्रैल में, मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5-6 महीने ही हुए हैं, तो मैं 27-28 को आई थी, एंड हमारा होटल था 2 तारीख तक का, तो मैं होटल में थी, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, तो मैं ऑनलाइन ही यहाँ पे बहुत सारे ना फर्नीचर वाला ढूंढ रही थी, क्योंकि हम जिस होटल में थे वहाँ पास में ही वो मॉल है इब्न बतूता,
कुर्ता यहाँ का बहुत फेमस मॉल है। तो मैं होमबॉक्स भी गई थी, मैं आइकिया भी गई थी, मुझे हर जगह मतलब ठीक था, मेरे को अच्छा लग रहा था, बट मेरे को प्राइस थोड़ा हाई लग रहा था क्योंकि मेरे को सामान लेने थे, क्योंकि यहाँ फर्निश्ड फ्लैट नहीं था, ये बिल्कुल भी फर्निश्ड नहीं था। तो फिर मुझे फेसबुक पे मार्केट प्लेस करके एक उस पर है आइकन है, आप देखोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे एक फर्नीचर वाला मिला था जो कि यहाँ से डेरा में है उसकी शॉप। तो उसको मैंने ऑर्डर दे करके अपना सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, चेयर्स एंड बेड बनवाया था उससे, ऑर्डर दे करके, मतलब फैब्रिक भी मैंने सेलेक्ट किया, डिज़ाइन भी मैंने सेलेक्ट किया, हर कुछ सेलेक्ट करके। मेरे को 3 सीटर, मतलब हम 2 लोग ही हैं तो, और हॉल का स्पेस डाइनिंग टेबल रखने के बाद इतना ज़्यादा बचता नहीं, इसलिए मैंने 3 सीटर ही सोफ़ा बनवाया था और 4 चेयर्स का डाइनिंग टेबल और एक किंग साइज बेड, उसका मैट्रेस भी साथ में आया था। तो ये मैंने ऑर्डर दे करके बनवाया था और मैंने ऑर्डर दिया था, और 3rd डे पे उन्होंने मेरे को डिलीवरी दे दी थी, और घर पे आकर के डिलीवरी दी, सारा कुछ सेट करके, मतलब बेड का भी हाइड्रोलिक, मतलब बेड जो है वो स्टोरेज वाला है, तो पूरा उसका सेट वेट करके सब कुछ वो करके गए थे, और बहुत अच्छा था। मतलब जो डिलीवरी चार्जेस थी वो उन लोगों ने नहीं लिया था, और बेड के साथ जो 2 साइड टेबल्स है, साइड टेबल्स ही मुझे उन्होंने 50-50 dirhams के दिए थे। और यहाँ पे जो होमबॉक्स वगैरह, होमबॉक्स यहाँ पे सबसे सस्ता है फॉर फर्नीचर एंड ऑल, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा है, हर एक स्टोर में मैं गई हूँ, तो होमवर्क्स में भी जो बेड साइड टेबल है ना वो आपको 100 dirhams, बहुत बेसिक, मतलब कुछ भी नहीं है, नो ड्रॉल्स एंड ऑल, उसमें भी आपको 100 dirhams वाला वो मिलेगा, बट ये मुझे सिर्फ 50-50 dirhams का मिला था। जो मेरा बेड है वो मैंने लिया था 400 dirhams का विथ मैट्रेस, एंड जो सोफ़ा है हाँ विथ मैट्रेस, जो मेरा डाइनिंग टेबल एंड चेयर है ये 500 dirhams का था विथ टेबल विथ 4 चेयर्स, एंड जो ये सोफ़ा है, ये सोफ़ा भी मैंने 400 dirhams का लिया था विथ 3 cushions एंड फैब्रिक। आप इसको देखोगे, ये जो वेलवेट है ना, स्यूट वेलवेट होता है, उसका मटेरियल है, उसका रेड, मतलब चेरी रेड कलर का है। मुझे ऐसे, मतलब जब मैं यहाँ से पहले रहती थी ना, तो मेरा घर जो था हमारा फ्लैट शादी के बाद, तो वो बहुत ही मैंने सटल सा रखा था, सब कुछ वाइट था वहाँ पे, हर एक चीज़ वाइट, और जो सोफ़ा था वहाँ ग्रे था, बट यहाँ शिफ्ट होने का मेरे मन में था कि मैं सब कुछ बहुत ऐसे वाइब्रेंट कलर का रखूँगी, हर कुछ कलरफुल होगा मेरे घर में, इस वजह से मैंने सोफ़ा रेड लिया, डाइनिंग टेबल के चेयर्स ग्रीन लिए, बेड भी मैं वॉयलेट ब्लू बनवाने वाली थी, बट मेरे हस्बैंड को था कि नहीं यार ग्रे कलर रखते हैं बेड का तो वो ज़्यादा चलता है, तो ग्रे एंड गोल्डन मिक्स का मैंने बेड बनवाया। तो सब सारा फैब्रिक सेलेक्ट करना, कलर सब कुछ मैंने किया था, और ये इतने का ही सारा कुछ सामान मेरे को पड़ा था। तो आपने अलग अलग प्राइस तो बता दिया, टोटल में एक बता दो कितना सामान है टोटल विद 2 साइड टेबल्स, 1 डाइनिंग टेबल, और उसके साथ 4 चेयर्स, 1 3-seater sofa, ये मुझे पड़ा था 1500 dirhams का। मुझे तो ये डील बहुत ही अच्छी लगी, आप लोगों को कैसी लगी आप भी कमेंट्स में बताना। और एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि चिलर फ्री है, और जिम, पार्किंग एरिया और पूल एरिया का कोई एक्स्ट्रा पे नहीं है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है, ये फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो और कितना प्राइस है, 70,000 ईयरली है ये इसका प्राइस है। तो प्लीज आप बताइए आपको ये सब कुछ कैसा लगा, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। प्राइस सब सामान का प्राइस तो मुझे बहुत ही रीजनेबल और बहुत चीप ही लगा, मतलब बहुत सस्ता यार, इतना अच्छा और इतना सारा, और जो क्वालिटी है सामान की वो जो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने फर्नीचर वाले से बनवाया है, तो जो बाहर जो, अब ये मेरा कॉफी टेबल है ये मैंने होमवर्क से लिया, मेरा टीवी यूनिट मैंने होमवर्क से लिया, जो अंदर वाले टीवी का यूनिट है वो उसका 4 का सेट था वो मैंने आइकिया से लिया था, ये एक मैंने मंदिर के पास रखा है, एक अंदर टीवी में इसके 2 स्टूल्स थे, उस पर मैंने एक पानी वाला यूनिट रखा है और दूसरे पे मेरा 4 रखा हुआ है, वो 4 वाला मैंने आइकिया से लिया था। लेकिन जो इनका मटेरियल है और उनके मटेरियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो हम जैसे इंडिया वाले घर में हम नहीं लकड़ी वाले से बनवाते हैं, वैसा मटेरियल तो बहुत हैवी है, बेड आपसे हिले भी नहीं, 2 लोग भी मिल जाओगे तो भी हिलेगा नहीं, इतना मतलब सॉलिड मटेरियल का बेड वगैरह सब कुछ बना हुआ है। तो मेरे को भी बहुत सामान पसंद आया, अगर आपको फर्नीचर वाले का नंबर चाहिए या कुछ भी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए, तो मैं आपको जो है कमेंट्स में पिन कर दूंगी नंबर। और आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। So guys, don't forget my YouTube channel. Please like, share and subscribe. और मेरे Instagram ID को भी follow कीजिएगा और Snapchat को भी। और please अगर आपको कोई भी help चाहिए तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप comments में comment कीजिएगा, मैं आपको reply ज़रूर करूँगी।